हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर नाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे आर हैबिटेट्स एंड वी विल डिस्कस नाइन पॉइंट टू हैबिटेट एंड एडेप्टशन सो हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं आवास एंड अडेप्टेसन को क्या बोलते हैं अनुकूलन वॉट डू यू फाइंड फ्राम द प्लान्स एंड एनिमल्स लिस्टड इन एक्टिविटी वन जो एक्टिविटी वन है उसमें आपने क्या खोजा प्लान्ट एंड एनिमल्स को आपने उसमें क्या किया था लिस्टड list, लिस्टड किया था एक लिस्ट बनाई थी आपने उसमें डिड यू फाइन्ड अ लार्ज वेराइटी इन दै क्या आपने उसमें काफ़ी बड़ी वेरायटी देखी एनिमल्स और प्लान्ट लुक एट वॉट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेज़र्ट जो सबसे पहला कॉलम था उसमें डेज़र्ट वाले कॉलम में आपने क्या लिखा था उसको देखिए एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल नाइन पॉइंट वन और नाइन पॉइंट वन टेबल में जो कॉलम था उसमें सी के बारे में उसमें आपने क्या लिखा था डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स की क्या आप लिस्ट बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के जीवों की जो कि इन दोनों कॉलम्स में लिस्ट लिस्टड होंगे तो क्या आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं वॉट आर द सराउंडिंगस लाइक इन दीज टू रीजनस और जो दो रीज़न है जैसे कि डेजर्ट है और सी है ये दोनों अलग अलग रीज़न है तो व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक जो सराउंडिंग्स हैं वो जो परिवेश है वो कैसा रहेगा इन दोनों रीजन्स में क्या रहेगा तो इसके इससे आगे डिस्कस करने से पहले हम एक बार टेबल नाइन पॉइंट वन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो नाइन पॉइंट वन टेबल में आपको बताने हैं एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स जो कि अलग अलग सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं वो आपको बताने हैं तो सबसे पहले हम कॉलम वन देख लेते हैं कॉलम वन में है इन द फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर व्हाट आर एनिमल्स व्हाट आर प्लांट्स एंड व्हाट आर अदर ऑब्जेक्ट्स सॉइल ट्रीज बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं फॉरेस्ट में यानी जंगल में पाए जाते हैं ऑन माउंटेन्स माउंटेन्स में अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाएगा रॉक्स स्नो स्नो एंड ग्रास माउंटेनियस गॉड्स ये एनिमल्स में ग्रास प्लांट्स में आ जाएगा और मंकीज तो ये सभी माउंटेन्स पर पाए जाते हैं इन द डेज़र्ट सैंड कैमिल कैक्टस एंड डेजर्ट रैक रेट तो इसके अंदर आपको जो जैसे जो भी आपको रीज़न बताया है, जैसे डेज़र्ट बताया है तो डेज़र्ट वाले में कि डेज़र्ट में क्या ऑब्जेक्ट प्लांट्स एनिमल्स के अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो बताने हैं जैसे सैंड पाई जाती है अदर ऑब्जेक्ट्स में दूसरा वहाँ पर एनिमल्स में कैमल पाया जाता है प्लांट्स में वहाँ पर कैक्टस ग्रो करता है और डेजर्ट रैट ये भी एक एनिमल का ही नेम है जो वहाँ पर पाया जाता है इन द सी के अंदर एक तो शेल्स पाई जाती हैं फिश एंड क्रैब ये पाए जाते हैं सी वीड्स यहाँ पर ये जो प्लांट्स प्लांट्स होते हैं सी वीड्स वो सी के अंदर पाए जाते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या है सॉल्टी वाटर नमकीन पानी या फिर खारा पानी सी के अंदर पाया जाता है एनी अदर में क्या है रिवर्स तो उसमें पेबल्स पाए जाते हैं फिशेस पाई जाती हैं वाटर एंड प्लांट्स पाए जाते हैं तो इस तरीके से आपकी ये जो टेबल नाइन पॉइंट वन है ये कंप्लीट होती है अब आगे बढ़ते हैं इन सी प्लांट्स एंड एनीमल्स आर सराउंडेड बाई सेलाइन वाटर समुद्र के अंदर जो पौधे हैं और जो जानवर हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं सेलाइन वाटर यानि कि खारे पानी से घिरे हुए होते हैं मोस्ट ऑफ़ दैम यूज़ द एयर डिजोल्व इन वाटर इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हवा को जो कि इस पानी के अंदर घुली हुई होती है उसका उपयोग करते हैं देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर यहाँ पर बहुत कम पानी अवेलेबल होता है इन द डेज़र्ट और उस जगह का नाम क्या है डेज़र्ट यानी कि रेगिस्तान इट इज़ वेरी हॉट इन द डे बहुत गर्म रहते हैं दिन के समय एंड वेरी कोल्ड एट नाइट और रात के समय ये बहुत ठंडे हो जाते हैं इन द डेज़र्ट यहाँ पर बात चल रही है डेज़र्ट की यानी रेगिस्तान की द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल जो जानवर हैं और जो पौधे हैं वो डेज़र्ट में रहते हैं यानी रेगिस्तान में रहते हैं और कहाँ पर ये रहते हैं डेजर्ट सॉइल में ग्रो करते हैं ये डेज़र्ट सॉइल में उत्पन्न होते हैं एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स और ये वहीं पर ही हवा से सांस लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स जो इन जो भी इनका परिवेश है उससे तो यहाँ पर बात दोनों की चल रही है एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी कि डेज़र्ट में किस तरीके की इनकी अडेप्टेस रहती हैं द सी एंड द डेज़र्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स जो समुद्र है और जो रेगिस्तान है दे आर वेरी डिफर सराउंडिंग्स ये दोनों अलग अलग परिवेश होते हैं एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स और हमें बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर और पौधे इन दोनों रीजन्स में इन दोनों जगह मिलते हैं इजेंटेड क्या ऐसा नहीं है लेटस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के जीव फ्रॉम द डेज़र्ट रेगिस्तान से एंड फ्रॉम द सी समुद्र से एक कैमल एंड अ फिश एक तो हम ऊँट के बारे में पढ़ेंगे एक हम पढ़ेंगे फिश के बारे में कि ये जो कैमल है और जो फिश है ये किस तरीके से सी एंड डेजर्ट इन दोनों अलग अलग रीजन्स में सर्वाइव करते हैं तो इसको हम अब आगे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स एड टू सरवाइव इन डेज़र्ट कंडीशंस जो ऊँट होते हैं इनकी जो शरीर की संरचना है ये इनको मदद करती है डेजर्ट कंडीशंस में यानी रेगिस्तान की जो रेगिस्तान की जैसे परिस्थितियाँ होती हैं उसके अंदर ज़िंदा रहने में कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स जो ऊंट होते हैं इनकी बहुत लंबी लंबी टांगे होती हैं विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड जो कि इन्हें जो रेत तो पाई जाती है रेगिस्तान के अंदर उस रेत से जो गर्मी निकलती है उससे इन्हें दूर रखती है जैसा कि फिगर टू पॉइंट नाइन पॉइंट टू में दिखाया है तो नाइन पॉइंट टू में कैमल्स इन देयर सराउंडिंग्स यहाँ पर ऊंट दिखाए गए हैं कहाँ पर डेजर्ट्स में और डेजर्ट्स क्या है इनकी सराउंडिंग्स है इनका परिवेश है दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ये बहुत छोटी मात्रा में जो इनका यूरिन है उसका मल त्याग करते हैं देयर डंग इज ड्राई जो इनका गोबर होता है वो बहुत सूखा होता है एंड दे डू नाट स्वेट और इनका इनको पसीना नहीं आता है सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज हालांकि जो कैमल्स होते हैं दे लूज़ वेरी लिटिल वाटर ये बहुत कम पानी अपने शरीर से कम करते हैं दे कैन लिव फॉर मैनी डेज़ विदाउट वाटर और ये बहुत लंबे समय तक पानी के बिना ज़िंदा रह सकते हैं लेटस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश अब हम अलग अलग प्रकार की जो फिश हैं जो मछलियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर नाइन पॉइंट थ्री इन में से कुछ नाइन पॉइंट थ्री फिगर में शो की गई हैं तो स्टूडेंट्स देखिए नाइन पॉइंट थ्री फिगर में डिफरेंट काइंडस ऑफ फिशेज़ यहाँ पर जो ये हैबिटेट है दैट इज़ डिफरेंट तो अब यहाँ पर ये क्या है वाटर है तो वाटर के अंदर आप देख सकते हैं देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज देट आर लिविंग इन देयर सराउंडिंग्स ये इनका परिवेश है फिशेस का देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप्स यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के आपको फिशेज दिखाई दे रही हैं मछलियाँ दिखाई दे रही हैं बट डू यू सी क्या आपने लेकिन आपने देखा दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप कि इनके इन सभी के पास एक चीज़ क्या है कॉमन है अबाउट देयर शेप यानी कि इनके आकार से संबंधित ऑल द वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीम लाइंड शेप यहाँ पर जितनी भी आपको फिशेज इस फिगर में दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट्स सभी के पास स्ट्रीम शेप है इस्ट्रीम का क्या मतलब है सुव्यवस्थित तो इनका जो आकार है वो कैसा है सुव्यवस्थित है दैट वॉज डिस्कस्ड इन चैप्टर एट चैप्टर एट में भी हमने जो कि बॉडी मूवमेंट्स के बारे में था उसमें भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था दिस शेप्स हेल्प्स दैम मूव इनसाइड वाटर और ये जो आकार है ये इनको पानी के अंदर चलने में मदद करता है फिश हैव स्लिपरी स्केल्स जो मछली होती हैं इनके पास बहुत चिकने स्केल्स होते हैं इनके शरीर पे दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश ये जो स्केल्स हैं ये मछली को बचाने का काम करते हैं एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट और इनको बहुत आसानी से चलने में मदद करते हैं थ्रू वाटर पानी के अंदर वी डिस्कस्ड इन चैप्टर एट ये हमने चैप्टर एट में भी डिस्कस किया था दैट फिश हैव फ्लैटफिनस जो फिश होते हैं उनके पास बहुत सीधे 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 पंख होते हैं एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन और जो इनका टेल होता है यानी कि इनका जो रेयर uh, पोर्शन है जो पिछला वाला भाग है वो इनको मदद करता है डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं को बदलने में एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर और ये इनके इनके शरीर को पानी के अंदर इनका संतुलन बनाने में मदद करता है गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर जो गिल्स है वो मछली के अंदर उपस्थित होने की वजह से और किस चीज़ में मदद करते हैं टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ऑक्सीजन जो कि पानी के अंदर घुलनशील होती है घुली हुई होती है उसका उपयोग करने में मदद करते हैं वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इन साइड वाटर हमने ये देखा कि जो विशेषताएं मछलियों के अंदर पाई जाती हैं ये इनको पानी के अंदर रहने में मदद करती हैं एंड द फीचर्स ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट और जो ऊँट के अंदर जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं वो उसको रेगिस्तान में जिंदा रहने में मदद करती हैं तो ये फीचर्स ही हैं स्टूडेंट्स जो कि किसी भी एनिमल्स को उस रीज़न में रहने में मदद करते हैं वी हैव टेकन ओनली टू एग्जाम्पल्स हमने केवल दो ही एग्जाम्पल्स लिए फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स बहुत सारे प्रकार के जानवर होते हैं उनमें से एंड प्लांट्स और पौधों में से दैट लिव ऑन अर्थ जो कि पृथ्वी पर रहते हैं इन all this variety of organism we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found or इसके अंदर इतने सारे हमने जीव देखे जीवों के प्रकार देखे we will find that हमने ये खोजा that they have certain features इनके पास कुछ विशेषताएं होती हैं दैट हेल्प दैम जो कि इनको मदद करती हैं लिव इन द सराउंडिंग्स यानी कि जो इनकी सराउंडिंग्स है जो भी इनका परिवेश है उसके अंदर रहने में इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड जिसमें वो आ, पाए जाते हैं द प्रजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स

उनको क्या बोला जाता है एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलता एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ डिविलिंग जो एडेप्टेशन है जो अनुकूलता है जीवों की वो डिफ़र करती है यानी कि अलग अलग होती है और ये किसके ऊपर निर्भर होती है ये उनके आवास के ऊपर निर्भर होती है कि उनका आवास किस प्रकार का है तो उसके ऊपर ये जो एडेप्टेसन है ये निर्भर करती है दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर इसी वजह से जो मछली होती है ये पानी के बिना नहीं रह सकती एंड कैमिल कैन नॉट लिव इन अ सी जो कैमिल है वो समुद्र में नहीं रह सकता द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज़्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट और ऐसी जगह जहाँ पर जो जीव है वो रहता है उसको क्या बोला जाता है हैबिटेट यानी कि आवास हैबिटेट मींस ए डीलिंग प्लेस जो हैबिटेट है वो क्या मान कहा जाता है एक तरीके से आवास कहा जाता है वो एक ऐसी जगह होती है जो कि उसका जानवर का आवास है या किसी पौधे का आवास है और उसको हम घर भी बोलते हैं अ होम द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म जो हैबिटेट है जो आवास है वो क्या देता है खाना पानी हवा शेल्टर मतलब रहने के लिए घर एंड अदर नीड्स और अन्य ज़रूरतें जो कि उस जीव को चाहिए होती हैं सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट कुछ प्रकार के पौधे और जानवर एक ही हैबिटेट में एक समान हैबिटेट में रहते हैं द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो कुछ जानवर हैं कुछ पौधे हैं जो कि जमीन पर रहते हैं उन उनको क्या बोला गया है कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं टेरेस्ट्रियल का मतलब है स्थलीय निवास स्थलीय निवास में रहते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स डेजर्ट्स कोस्टल एंड माउंटेन रीजनस और कुछ उदाहरण हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के यानी कि स्थलीय निवास के जो कि क्या हैं फॉरेस्ट है, है यानी कि जंगल ग्रासलैंड यानी कि जहाँ पर घास वगैरह पाई जाती है डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स तटीय इलाके और पर्वतीय इलाके ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंतर्गत आते हैं ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स और इसी के दूसरे हाथ पर देखेंगे तो पौधों के क्या क्या हैबिटेट्स हैं पौधों के क्या क्या आवास हैं आइए डिस्कस करते हैं एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्टिक हैबिटेट्स ऐसे पौधे और ऐसे जानवर जो कि पानी के अंदर रहते हैं वो सभी कहाँ पर रह रहे हैं एकुटिक हैबिटेट्स में रह रहे हैं एकुटिक का क्या मतलब है जलीय निवास स्थान तो हैबिटेट्स भी स्टूडेंट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दूसरा होता है एकुटिक हैबिटेट क्स रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स लेक्स यानि कि झील रिवर्स यानी कि नदी ओशियंस ये कुछ उदाहरण हैंक्टिक हैबिटेट्स के देर आर लार्ज वेरिएशन्स अमंग टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स बहुत ज़्यादा वेरिएशनस बहुत बड़े बड़े वेरिएशंस यानी कि उतार चढ़ाव आते हैं अमंग टेरस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट ग्रास लैंड्स डेजर्ट्स कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और ये सभी क्या हैंज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स तो इनके अंदर बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं द ऑर्गैनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अबिटेट आर इट्स बायोटिक कम्पोनेंट्स अब जैसे हैबिटेट हमने डिस्कस किया अब हैबिटेट्स के अंदर ऐसे जीव जो कि क्या हैं पौधे हैं और जानवर हैं और वो उस आवास के अंदर रह रहे हैं तो वो सभी उस आवास के क्या हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए यानी कि जैविक कंपोनेंट्स हो गए द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज़ रॉक्स सॉइल एयर एंड वाटर इन हैबिटेट कंस्टीट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेट और जो नॉन लिविंग थिंग्स है यानी कि रॉक्स यानी कि चट्टान सॉइल यानी की मिट्टी एयर एंड वाटर हवा और पानी ये सब भी क्या है उस हैबिटेट के उस आवास के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो ज़िंदा नहीं रहते हैं ये सभी क्या घटित करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि जो सनलाइट है और जो हीट है वो सभी क्या बायोटिक हैं या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं तो इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आपको देना है आइदर दे आर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स हम ये अच्छे से जानते हैं कि कुछ पौधे सीड्स यानी कि बीजों से उत्पन्न होते हैं लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स अब हम कुछ एबायोटिक फैक्टर्स को देख लेते हैं एंड दे आर इफेक्ट्स ऑन सीड्स और इनका प्रभाव उन बीजों के ऊपर भी देखते हैं एज़ दे ग्रो इन टू यंग प्लांट्स और वो आ, किस तरीके से बहुत छोटे छोटे पौधों में उत्पन्न हो जाते हैं इसको भी हम आगे एक्टिविटी टू में देखेंगे एक्टिविटी टू में रिकॉल एक्टिविटी फ़ाइव इन चैप्टर वन जो चैप्टर वन में हमने एक्टिविटी फ़ाइव पढ़ी थी उसको याद कीजिए वी मेड स्प्राउट्स फ्राम मूंग एंड चना सीड्स हमने Uh, मूंग और जो चने के बीज थे उनसे क्या बनाए थे स्प्राउट्स बनाए थे यानी कि उनको अंकुरित किया था वैन द सीड्स टर्न इन टू स्प्राउट इट इज सेट टू हैव जर्मिनेटेड जब जो बीज थे उनको हमने अंकुरित किया इट इज सेट टू हैव जर्मिनेटेड तो उनका क्या हो गया था अंकुरण हो गया दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट ये जो नया पौधा है उसकी जीवन की क्या है बिगनिंग है शुरुआत है कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स अब आप कुछ सूखे मूंग सीड्स मूंग के बीज इकट्ठे कीजिए कीप ट्वेंटी थर्टी सीड्स असाइड जो उसमें से बीस तीस बीज हैं उनको आप एक जगह रख दीजिए एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे और उसमें से जो कुछ बीज हैं उनको पानी के अंदर एक दिन के लिए रख दीजिए डिवाइड द सोक्ड सीड्स इन फोर पार्ट्स अब जो भीगे हुए बीज हैं उनको चार पार्ट में चार अलग अलग भागों में विभाजित कीजिए कीप वन पार्ट कंप्लीटली सम्मर्ज इन वाटर फॉर थ्री फोर डेज इसमें से जो एक भाग है उसको आपको पूरी तरीके से सम्मर्ज यानी कि डूबा हुआ रखना है पानी के अंदर फॉर थ्री फोर डेज तीन चार दिन के लिए डू नाट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज समर्ज इन वाटर अब बिल्कुल भी आप जो सूखे बीज हैं उनको डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल भी ना छेड़ें एंड दोज समर्ज इन वाटर और जो आपने कुछ आ, पानी के अंदर जलमग्न किए थे उनको ना छेड़ें कीप वन पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन अ सनी रूम एक जो भाग है भीगे हुए बीजों का उनको सनी रूम में रख दीजिए यानी कि ऐसे रूम में जहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही हों एंड अनदर इन अ कंप्लीटली डार्क रीज़न लाइक अ कपबोर्ड और दूसरे वाले को बिल्कुल कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरीके से जो डार्क यानी कि अंधेरा अंधेरे वाली जो जगह है वहां पर रख दीजिए जैसे कि आपकी अलमारी अलमारी के अंदर रख दीजिए दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट जो कि रोशनी को बिल्कुल भी उस उसके अंदर घुसने नहीं देगी कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स और जो लास्ट पार्ट है उसको बहुत ठंडे परिवेश के अंदर रख दीजिए से इनर रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए एंड विद और विद आइस अराउंड दैम और उसके चारों तरफ क्या लगा रख दीजिए बर्फ़ रख दीजिए रिंस दैम रिंस का क्या मतलब है धुलाई कीजिए उनकी एंड रिप्लेस द वाटर और पानी को बदल दीजिए एवरी डे हर एक दिन वॉट डू यू नोटिस तो आपने क्या नोटिस किया आफ्टर अ फ्यू डेज़ कुछ कुछ दिनों के बाद डू द सीड्स इन ऑल द फाइव कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली क्या सभी बीज इन ऑल द फाइव फाइव कंडीशंस अलग अलग परिस्थितियों में पांच अलग अलग परिस्थितियों में क्या एक ही तरीके से अंकुर अंकुरण हुआ उनका डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस कि आपने ये खोजा कि किसके अंदर बहुत धीमा और किसके अंदर बिल्कुल भी नहीं अंकुरण हुआ था उन बीजों में इन एनी ऑफ दीज इन इन फाइव कंडीशन इन फाइव डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डू यू रियलाइज़ दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर वाटर लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्या आपने ये एहसास किया है स्टूडेंट्स कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक एयर वाटर लाइट एंड हीट ये सभी जो पौधों के लिए उत्पन्न होने के लिए बहुत आवश्यक हैं इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ तक कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये सभी बहुत ज़रूरी होते हैं सभी जीव जंतुओं के लिए वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज़्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज़ वेरी हॉट क्लाइमेट्स हमने ये देखा है स्टूडेंट्स कि जो ऑर्गेनिज़्म हैं वो बहुत ठंडे और बहुत गर्म मौसम के अंदर रह सकता है इट क्या ऐसा है हाउ डू दे मैनेज टू सरवाइव तो किस तरीके से मैनेज करते हैं ज़िंदा रहने में अडेप्टेसन इज़ द मेथड बाई विच ऑर्गेनिज़्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट एडेप्टेसन ही एक ऐसा तरीका है यानी कि अनुकूलन ही एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए कोई भी जीव बहुत आसानी के साथ उस मौसम में या अलग अलग रीजन के अंदर जो अलग अलग क्लाइमेट है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाता है यानी कि उसको अपने उस मौसम के साथ फैमिलियर बना पाता है एडजस्टेड को हम बोलते हैं फैमिलियर एडेप्टन डज़ नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम जो एडेप्टन है वो बहुत कम समय में नहीं आ पाती है बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीज़न ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं किसी भी रीज़न की वो बदलती रहती हैं बहुत धीरे धीरे दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट एडेप्ट टू दिज चेंजेस डाई एंड ओनली द एडेप्टेड वंस सरवाइव ऐसे जीव जो इस वातावरण के वातावरण में अनुकूल नहीं रह पाते हैं वो मर जाते हैं और जो अनुकूल कर लेते हैं अपने आप को उस वातावरण से या उस उन उस मौसम के अंदर वो क्या करते हैं जिंदा रहते हैं ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज जो जीव हैं वो अपने आप को अनुकूल बनाते हैं टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे जो कि अलग अलग होती हैं इन डिफरेंट वेज बहुत अलग अलग तरीक़ों से दिस रिज़ल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स और इसी वजह से बहुत वाइड वैराइटी है बहुत सारे प्रकार हैं जीवों के जो कि अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं लेटस लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द एडेप ऑफ एनिमल्स इन दीज हैबिटेट्स अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स आगे आने वाली वीडियो के अंदर एक तो हम कुछ हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे एक हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे क्या समझेंगे एबायोटिक फैक्टर्स को समझेंगे कि वॉट आर दोज एबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दीज हैबिटेट्स और एडेप्टेशन्स, यानी कि अनुकूलन जानवरों का अनुकूलन उन हैबिटेट्स में यानी कि उनके आवास के अंदर कैसा होता है तो ये हम आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे सो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो थैंक यू